तो आप सभी ने सभी यहाँ पर जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र और या और भी सर्टिफिकेट जैसे EWS सर्टिफिकेट या EBC सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट बनाया होगा सर्विस प्लस के माध्यम से। तो आपने सर्विस प्लस के माध्यम से ये सब सर्टिफिकेट अगर आपने बना रखा है और आपको डाउनलोड करने का तरीका नहीं जानकारी है, तो आपको मैं डाउनलोड करने का, मैं इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीका मैं बताने वाला हूँ कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। जिसका मान लीजिए किसी का अगर सर्टिफिकेट नंबर भुला गया, जैसे मान लीजिए अप्लाई किए हैं आप, आपका सर रिसीविंग खो गया है, आपका केवल डेट याद है कि मेरा इस डेट में निकलने वाला था, तो आप वहाँ पर आप भी चेक करके सभी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में आपके पास एप्लीकेशन नंबर केवल है, तो आप एप्लीकेशन नंबर से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें आपको डाउनलोड करने का मैं तीन तीन तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस वाले वेबसाइट पर चले आना है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, या तो आप सर्विस प्लस यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इसका आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद इसको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक लॉगिन का सेक्शन है, तो पहले यहाँ पर मैं लॉगिन करके शो कर देता हूँ कि मैं आपको लॉगिन करके कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए तो आपको एक आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आईडी पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाला हुआ है, इसके बाद मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ कैप्चा कोड, और कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पर मैं लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह से लॉगिन हो जाऊँगा, जैसा कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले में शो हो पा रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। इस तरह से लॉगिन होने के बाद आपको क्या सेक्शन में जाना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक मेन्यू का सेक्शन है। इसमें आने के बाद यहाँ पर आपको व्यू स्टेटस एप्लीकेशन पर आना है। इस पर आने के बाद क्या करना है कि इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जा रहा होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यही ऑफ पेज आपका ओपन हो रहा होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर गो टू बैक का ऑप्शन आता होगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ से डाउनलोड आप कर पा सकते हैं, लेकिन आपको एक दूसरा मेथड यूज़ करना होगा। तो चलिए मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से आपको लॉग आउट हो जाना है। यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो लॉग आउट होने के बाद आप यहाँ पर मेन पेज पर यानी होम पेज पर चले आएंगे, और होम पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है देखेंगे कि आवेदन प्रसंस्करण यानी कि आवेदन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लोक सेवा पोर्टल। तो यहाँ पर आने के बाद ये वाला जो वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इसी वाले वेबसाइट पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके शो कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको उसी तरह से लॉगिन करना है जिस तरह से आपने कैप्चा कोड डाल के यहाँ से लॉगिन किया है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करके शो कर देता हूँ। जैसा आपने पिछले वाले पोर्टल में लॉगिन किया था, जैसे कि आपको इस वाले में मैं बताया था, उसी तरह से इस वाले पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। इस वाले पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बात हो, यहाँ पर आपको डाउनलोड नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूँ। यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन पर जाएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन के जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा प्रोसेस यहाँ पर अभी ले रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ से हट गया मेरा प्रोसेस, जो यहाँ पर आपको शो कर रहा था सभी डिटेल, तो वहाँ पर बैक का यहाँ पर ऑप्शन अब नहीं है। तो आपको इस तरह से आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक गेट डाटा का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको जितना भी आपने सर्टिफिकेट अप्लाई किया है वो सभी सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोसेसिंग हो या डिलीवर हो या रिजेक्ट हो, सभी यहां पर प्रोसेसिंग शो कर देगा। शो करने के बाद यहां पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मैं बताता हूं कि डाउनलोड आपको कैसे करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मैं यहां पर एप्लीकेशन नंबर रखा है डाउनलोड, यहां पर एक अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर सबमिटेड का डेट, जिस तारीख मैंने सबमिट किया था और जिस दिन को मिलेगा, यहाँ पर डेट लिखा था ड्यू डेट। इसके बाद करेंट स्टेटस में आप यहां पर देखेंगे मेरा डिलीवर हो चुका है, तो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ गया है। तो डाउनलोड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहां डिलीवर वाले सेक्शन पर क्लिक करूंगा, और यहां पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप इस तरह से ओपन होगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर डाउनलोड होने का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो चुका है।
तो इस तरह से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन करने के माध्यम से। मैं यहाँ पर एक पहला प्रोसेस तो बता दिया कि यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इस मेथड से, जो भी आप सर्टिफिकेट अप्लाई किए होंगे सर्विस प्लस के माध्यम से अपने आईडी से, यहाँ पर आईडी लॉगिन करके इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आ जाता हूँ बैक, और बैक आने के बाद मैं यहाँ से आईडी लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अब लॉग आउट करने के बाद अब बिना आईडी लॉगिन किए हुए आप आईडी से बनाए हो या अथवा बिना आईडी से बनाए होंगे तो आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। आने के बाद आपको क्या करना है कि इसी वाले वेबसाइट पर रहना है, या तो आप इस वाले वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो मैंने पहला वेबसाइट यहाँ पर ये वाला पर दिखाया था, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये वाला वेबसाइट है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक चार ऑप्शन दिख रहा है, तो चार ऑप्शन में से आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन है, यहाँ पर आवेदन की स्थिति देखे से, तो यहाँ पर आवेदन की स्थिति देखे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति देखे वाले से क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल फिल करना होगा, और डिटेल फिल करने के बाद आपको डाउनलोड का सेक्शन आ जाएगा, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपके यहाँ पर एक सिलेक्ट एंड ऑप्शन ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से आपको पहला वाला ऑप्शन चूज करना है थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर एक डाल लेना है, रेफरेंस नंबर डालने के बाद यहाँ सबमिटेड का डेट यानी जिस दिन आपने अप्लाई किया था उस दिन का यहाँ पर डेट चूज कर लेंगे, और डेट चूज करने के बाद ये वाला कैप्चा बॉक्स इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का सेक्शन है, सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिटेल सारा फिल कर चुका हूँ, इसके बाद सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। पेज आपका इस तरह से ओपन होगा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन यस या नो का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए आपको यस पर क्लिक करना होगा, केवल अगर स्टेटस देखना है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो चलिए बेहतर रहेगा मेरे अनुसार कि आप यस पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्रेश लेगा, और यहाँ पर आपको जिनके नाम से अप्लाई किया हुआ है उनका नाम डालना होगा, और उनके पिताजी का नाम और उनके माताजी का नाम डालना होगा। जैसे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में दिखाया एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर डालना है, इसके बाद यहाँ पर उनके पिताजी का नाम डालना है, इसके बाद उनके माताजी का नाम डालना है, इसके बाद आपको सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डिटेल सारा फिल कर रखा है, इसके बाद यहाँ पर डाउन सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने जो डिटेल फिल किया था इस तरह से आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। शो होने के बाद नीचे आना है, और यहाँ पर एक चौथा नंबर में रेसिडेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरे मेथड से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर मैं एक प्रोसेस बता दिया पहला लॉगिन करने के बाद, दूसरा प्रोसेस बता दिया यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटस चेक करने से, और यहाँ पर मैं तीसरा प्रोसेस बताने वाला हूँ अब केवल एप्लीकेशन नंबर और केवल नाम से। तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर पेज इस तरह से ओपन होगा, और यहाँ पर आपको आरटीपीएस रहने देना है इसको। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर नाम डालेंगे, इसके बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर लिखा गया 24 घंटा के अंदर ही प्रमाण पत्र अपने यहाँ पर लिखा है, कृपया अपने आवेदन के निष्पादन होने के 24 घंटा बाद ही अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर। 22 तारीख का डिलीवर डेट है, तो 22 नहीं 23 तारीख का आपका डाउनलोड हो पाएगा, उम्मीद रहता है इस तरह का इसमें। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, इसके बाद यहाँ पर नाम डालेंगे, इसके बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट पर मैं क्लिक करके शो कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर इनका डिटेल डाल चुका हूँ, इसके बाद डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड पर जैसे क्लिक किया मेरे यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसान मेथड से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बेटर मेथड रहेगा कि आप यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, आपको बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और पहला मेथड भी सही है, लेकिन इसमें थर्ड वाला प्रोसेस है, केवल यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालिए, नाम डालिए और डाउनलोड कीजिए, ये आपको थर्ड मेथड है। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी को अगर डाउनलोड पूरी तरह से अगर हो गया होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।